11th क्लास, आज हम करने जा रहे हैं एनिमल फाइबर का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द सिल्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम शुरू कर रहे हैं सिल्क की कहानी। तो जो सिल्क है उसकी खोज सबसे पहले चाइनीज लोगों ने की थी और अप्रोक्सीमेट 4500 ईयर्स ओल्ड इसकी डिस्कवरी की गई थी। चाइनीज आपको पता ही है बहुत ही चालाक होते हैं। जैसे अब कोरोना की डिजीज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं हमारे पास वर्ल्ड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसी तरह जब सिल्क की डिस्कवरी की थी तो इसके बारे में वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, इसको बिल्कुल रहस्यमय तरीके से रखा गया। एंड जो लोग सिल्क वियर करते थे उसको सपोज किया जाता था रिच, और जिनके पास सिल्क नहीं होता था उसको पुअर सपोज किया जाता था। सिल्क की उस समय वैल्यू ऐसी थी जैसे इस समय हम गोल्ड की वैल्यू सपोज करते हैं। बट नो डाउट दूसरे वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज ने धीरे धीरे सिल्क किस तरह से बनता है इसके बारे में पूरी रिसर्च की, और आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिल्क के फीचर्स बताए गए हैं। सिल्क बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्टर्स होता है, मतलब शाइनी फाइबर है ये। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है, स्ट्रोंग होता है, पूरा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे हम कहते हैं। एंड गुड इंसुलेटर है। इंसुलेटर वर्ड का मीनिंग क्या था? जिससे ना तो हीट इनसाइड जाएगी ना बाहर आएगी। इट मींस क्या है, ये विंटर में बॉडी को गर्मी देगा, कीप्स द बॉडी वार्म इन द विंटर सीजन, और गर्मियों में ठंडक देगा, है ना बेनिफिट। तो इस तरह से सिल्क हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। सिल्क जो है वो एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। जैसे एनिमल फाइबर का पढ़ा था हमने कि उसमें क्या होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसी तरह से सिल्क का याद रखना है, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर। सिल्क शाइनी क्यों होता है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सिल्क बनाया जाता है। तो सिल्क का एक अच्छा इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि ये शाइनी होता है। रीजन क्या है, जो सिल्क का फाइबर होता है वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप का होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह होता है। प्रिज्म मीनिंग समझ रहे हो, प्रिज्म की तरह होने के कारण जो लाइट इसमें से एंटर करती है वो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट आया माइंड में, जैसे मैंने ये पेन लिया पानी में रखा, आपको ये पेन टूटा हुआ नजर आएगा। रीजन क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ लिटिल चेंज कर लेती है, लिटिल बेंड हो जाती है, उसे कहती है रिफ्रैक्शन। तो इस केस में भी जब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है तो जो लाइट आएगी वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी एट डिफरेंट एंगल्स। लाइट आई प्रिज्म के इनसाइड और बार बार उससे टकरा कर एंगल अपना चेंज कर रही है, जिसके कारण इसमें शाइनी अपीयरेंस आती है। नेक्स्ट इज टर्म सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज बट रीरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ये है मेन प्रोसेस। क्या है, सिल्क वर्म को सिल्क की प्रोडक्शन के लिए पालना, रीर करना, इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर। उसको हम स्टेप वाइज करेंगे। तो उसका सबसे पहला स्टेप, फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ इन द लाइनन बैग। तो लाइनन के बैग के अंदर फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ को रखा जाता है, रीड किया जाता है। उस बैग के अंदर अप्रोक्सीमेट वो 100 से 250 एग्स प्रोड्यूस करता है, और करने के बाद वो मर जाता है। उसमें से कुछ एग को तो रिप्रोडक्शन के लिए अलग रख लिया जाता है ताकि दोबारा से क्या बन जाए, सिल्क वॉर्म मॉथ, और कुछ एग्स को यूज कर लिया जाता है फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। तो जिन एग को सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करना है उनका क्या करेंगे हम, दीज एग्स आर प्लेस्ड ऑन परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया, सिंपली गत्ते का डब्बा, उसमें कुछ छेद होने चाहिए, मीन्स कुछ होल्स होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स। प्लेस इन द इंक्यूबेटर
टू कीप देम वॉर्म। उनको इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है। इंक्यूबेटर बेटा एक डिवाइस होती है जिसके अंदर आप अकॉर्डिंग टू योर डिजायर टेम्परेचर सेट कर सकते हो। जैसे हमारे घर में माइक्रोवेव है, उसमें हम टेम्परेचर सेट करते हैं ना, उसी ही तरीके से इंक्यूबेटर के अंदर भी हमने टेम्परेचर सेट करना है और एग्स को गर्मी देनी है, ठीक है, टू कीप देम वार्म। जब वो गर्मी महसूस करेंगे तो एग की क्या हो जाएगी, हैचिंग, वो टूटने शुरू हो जाएंगे। ऑन हैचिंग द एग, लार्वे जिसका दूसरा नाम इम्पोर्टेंट है दैट इज कैटरपिलर, कैटरपिलर बाहर निकलते हैं। जैसे ही कैटरपिलर बाहर निकले, पहले वो कहां पर था, कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर, अब उसमें से कैटरपिलर एक लिविंग बींग आप कह सकते हो बाहर निकल गया, तो उसको कुछ खाने को चाहिए, तो उसको कहां पर प्लेस किया जाता है, ऑन द मलबेरी लीव्स, और कितने टाइम के लिए, फॉर द 6 वीक। मलबेरी लीव्स ही क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि मलबेरी लीव्स के द्वारा उनमें ग्रोथ जल्दी होती है, ज्यादा होती है। इसको कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेट 6 वीक। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो 6-6 दिनों के गैप के बाद, 6 डेज के गैप के बाद 24 आवर के लिए सो जाता है। 6 डेज के इंटरवल के बाद 7वां दिन जिसको हम संडे कहते हैं, वो संडे पूरा सोता रहता है फॉर द 24 आवर्स। जब वो सो रहा होता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है, स्किन होती है, वो टूट जाती है, ठीक है। जैसे ही वो उठा, एज ही वेक अप, तो जो पुरानी स्किन थी वो उतार देगा और न्यू स्किन अपने आप उसके ऊपर डिवेलप होनी शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस रेगुलर होता रहता है, आफ्टर एवरी 6 डे इंटरवल ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता जाएगा, और इसको हम मोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्किन बाय द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट इज मोल्डिंग। अब जब एंडिंग ऑफ द पीरियड आ जाएगा, मतलब 6 हफ्ते पूरे हो गए, तो क्या होगा, नाउ पूरा ये मोटा ताजा हो जाएगा, मलबेरी लीव्स काफी इसने खा ली, पूरा मोटा ताजा हो गया। नाउ इट इज रेडी टू स्पिन ककून्स, अब इससे ककून बन सकते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स 8 डे, इसको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 8 दिन। 8 दिनों में हमने क्या करना है, जब ये उठता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड जब ये उठता है, तो जिस कमरे में हमने इनको पाला हुआ है, रीड किया हुआ है, वो पूरा साफ कर दिया जाता है। वहां पर लाइट एयर अच्छी तरह से आनी चाहिए। उसमें और खाने पीने का सामान रख देंगे, लाइक द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, शर्व्स, उस कमरे में रख दिया जाएगा। और ये जो कैटरपिलर है उनके ऊपर क्लाइंब अप करता जाएगा। जैसे जैसे क्लाइंब अप करता जाता है, इसके ऊपर कोकून की कवरिंग होती रहती है। नाउ कोकून की कवरिंग होना इज कॉल्ड एज स्पिनिंग ऑफ कोकून। दोबारा से इसको समझ लो, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड स्पिन, इट इज रेडी टू स्पिन द कोकून विच टेक्स अप्रोक्सीमेट 8 डेज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पिनिंग ऑफ कोकून। व्हाट इज कोकून, अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, इट इज ए सॉफ्ट कवरिंग, ये बिल्कुल सॉफ्ट कवरिंग होती है, ऑफ एन इंसेक्ट स्पिन विद द सिल्क थ्रेड टू प्रोटेक्ट द इट्सेल्फ। हमने पहले भी कहा कि इसकी पुरानी स्किन उतर जाती है, नई स्किन बनती जाती है। ये तो होता है इस पीरियड के दौरान। जब 6 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो ये अपने ऊपर किसकी कवरिंग करता है, सिल्क थ्रेड की, जिसको हम नाम के देते हैं कोकून। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसकी इंटरनल बॉडी सॉफ्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ये अपने ऊपर क्या लपेटता जाएगा, सिल्क थ्रेड, जिसे हम नाम क्या देते हैं कोकून। इट इज अ सॉफ्ट कवरिंग ऑफ इंसेक्ट स्पिन विद, जो किससे बनी हुई है, स्पिन विद द सिल्क थ्रेड टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। और जो कोकून है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए इंसेक्ट एक लिक्विड रिलीज करता है, जस्ट लाइक अ ग्लू, जिसके कारण जो थ्रेड है उसको हार्डनेस मिलती है।
एज वेल एज वो एक और मटेरियल रिलीज करते हैं जिसको हम सिल्क फिलामेंट कहते हैं, जिसके कारण कोकून जो है वहीं पर चिपका रहेगा, ठीक है ना, ऑन द बॉडी ऑफ सिल्क वॉर्म या यू कैन से ऑन द कैटरपिलर, उसके ऊपर कोकून जो है वो चिपका रहे, वो हार्ड रहे। इसके लिए इंसेक्ट दो चीजें रिलीज कर रहा है, एक तो लिक्विड जिसके कारण ये ग्लू की तरह चिपका रहता है, ग्लू की तरह वो लिक्विड काम करते हैं और थ्रेड को उसके ऊपर चिपका के रखता है, और दूसरा हम क्या रेफर कर रहे हैं, सिल्क फिलामेंट। ये दो टर्म्स आपने माइंड में रखनी है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इनसाइड द कोकून सिल्क वॉर्म चेंज इनटू द प्यूपा। पहले सिल्क वॉर्म का नाम क्या था, कैटरपिलर, अब वो क्या बन गया, प्यूपा। इट टेक्स 10 डेज टू चेंज इनटू मॉथ। प्यूपा को मॉथ बनने में कितना टाइम लगता है, 10 दिन। अब आ जाते हैं जो भी कोकून बन गए, जितने भी कोकून बने हैं उन सबको गैदर कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिलामेंट विच द कोकून इज मेड इज वेरी सॉफ्ट, इसीलिए तो उन्होंने लिक्विड रिलीज किया, फिलामेंट रिलीज किया ताकि उसको हार्ड कर दे, उसको उसी जगह पर चिपका के रखें। लेकिन आप सबको पता है कि जो कोकून का फिलामेंट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो सिल्क फाइबर बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही डेलिकेट होगी। उस प्रोसेस का नाम आपने याद रखना है, That is reeling and filiature। ये आपसे जरूर पूछा जाता है, What is reeling and filiature? तो क्या है reeling और filiature? Silk fiber from cocoon obtain करने की process। Silk fiber cocoon से बनाने की process को हम क्या कहते हैं, reeling या फिर filiature। अब जो cocoon है उनका क्या करेंगे, किस क्या process लाई कर रही है उसके बारे में हम discuss कर रहे हैं। कोकून लिया, उसको गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी डालने पर क्या होगा बेटा, कि जो उसके अंदर ग्लू लाइक लिक्विड था वो सारा रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण आपको थ्रेड रिमूव करना इजी हो जाएगा। एक बात और, ये थ्रेड कंटिन्यूअस होता है, जैसे वूल में हमने कहा कि कोई लॉन्ग फिलामेंट है, कोई शॉर्ट है ना, तो इसमें पूरा एक कंटिन्यूअस थ्रेड मिलता है, विच इज वेरी गुड फीचर ऑफ दिस वन। तो ग्लू लाइक मटेरियल को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, कोकून को गर्म पानी में डाल दिया, फिर उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, और उसके बाद उसको ब्रश किया जाता है। ब्रश अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो उसके ऊपर कॉस फिलामेंट होते हैं, सिल्क फिलामेंट ऑन द आउटर साइड, वो रिमूव हो सके और आपका सिल्क थ्रेड इजीली वहां से रिमूव किया जा सके, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, ब्रश। फिलामेंट फ्रॉम 4 to 8 कोकून। अब जो एक कोकून का फिलामेंट है वो तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, तो इसको मतलब एज सच यूज करना तो टफ है, टूट जाएगा। तो हमने क्या करना है, 4 से लेकर 8 कोकून के सिल्क फाइबर को ज्वाइन कर लिया, ट्विस्ट कर दिया और कंबाइन कर देंगे विद द सिमिलरली ट्विस्टेड फिलामेंट टू मेक अ थ्रेड। 4 से 8 कोकून के सिल्क फिलामेंट को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करके, कंबाइन करके वो एक थ्रेड ऑब्टेन कर लेंगे, और उस थ्रेड को हम नाम क्या देते हैं, रॉ सिल्क का। अब हम पहुंच गए हमारे रॉ सिल्क के ऊपर। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस लाइक करता है हाउ टू ऑब्टेन सिल्क। दोबारा से हमारे माइंड में लेकर आते हैं कि हमने क्या किया है, हो गया नोट, मैं थोड़ा सा रब कर रही हूं। हम क्या अब देखेंगे, सारी प्रोसेस शुरू से। हमने सबसे पहले क्या लिया था, सिल्क वॉर्म मॉथ, उससे हमारे पास क्या मिले, एग। एग जब हैच हुए तो क्या बना, कैटरपिलर। कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हुए थे, कोकून में। ये भी थोड़ा सा माइंड में रख लो कि इसको किस पर रखा था, कार्डबोर्ड पर।
विच इज परफोरेटेड। और इसको किस पर रखा था खाने के लिए, क्या दिया था? मलबेरी लीव्स, ताकि ये मोटे ताजे हो जाएं। तो उसके बाद हमारे पास दीज आर रेडी टू स्पिन कोकून। आया माइंड में, ये हमने प्रोसेस की थी। देन कोकून आर गैदर्ड, और इसके अंदर जो गैदर किया है उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो तो सिल्क के लिए यूज हो जाएगी। हमने इस साइकिल पर दोबारा पहुंचना है, तो इसमें क्या होता है? प्यूपा, और प्यूपा से आपको क्या हो जाएगा? विद इन 10 डेज सिल्क वॉर्म मोथ। तो लाइक दिस ये सारा साइकिल सिल्क वॉर्म मोथ का होता है। समटाइम्स पेपर में आपके पास ये भी पूछा जाता है कि सिल्क वॉर्म मोथ का साइकिल दो, किस तरह से उसमें सारा प्रोसीजर होता है, तो ये भी आपने विद डायग्राम लर्न करना है। नाउ रो सिल्क हमारे पास तैयार हो गया, लेकिन उसको एज सच हम यूज नहीं कर सकते फॉर द नीटिंग और वीविंग, तो उसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। और स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रोसेस का नाम क्या होता है? दैट इज नोन एज थ्रोइंग। इट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट इज थ्रोइंग नॉर्मली पूछा जाता है। तो थ्रोइंग क्या है? सिल्क प्रोसेसिंग है, विच इन्वॉल्व ट्विस्टिंग ऑफ वन और मोर थ्रेड्स ऑफ रो सिल्क। हमने क्या करना है? रो सिल्क ली, उसके थ्रेड को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर देना है ताकि वो सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उसको आप किसी भी तरह, वेदर आपने वीव करना है, निटिंग करनी है, तो आप उसको यूज कर सको। नाउ आप ट्विस्टिंग का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो उसके बेसिस के ऊपर सिल्क फाइबर की 4 टाइप्स होती हैं। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट सिल्क फाइबर की कितनी टाइप्स होती हैं? टोटल 4। क्या नाम है उसके? ऑर्गेनाइज, क्रैपे, ट्रैम एंड थ्रोन सिंगल्स। थ्रोन यहीं से शब्द लिया गया है, तो थ्रोन सिंगल्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइज में क्या फीचर है? इसमें रो सिल्क थ्रेड को लेंगे, उसको वन डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। वन डायरेक्शन में कर दिया, अब ट्विस्टिंग टू और मोर ऑफ दीज थ्रेड, दो या तीन ऐसे और थ्रेड लिए, बट उसको क्या करना है? हमने पहले ट्विस्ट किया था ऊपर को, उनको किस तरह से ट्विस्ट करना है? नीचे को, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ट्विस्ट करने पर जो थ्रेड ऑब्टेन होगा उसको कहेंगे ऑर्गेनाइज थ्रेड। क्लियर? एक थ्रेड को ऊपर को हमने किया ट्विस्ट, और दो तीन थ्रेड जो ओ लिए हैं उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। अब ट्विस्टिंग पर सेंटीमीटर कितनी है? अगर वो एट द रेट ऑफ 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर हो तो क्या बनेगा? ऑर्गेनाइज। और अगर इंटेंसिव ट्विस्टिंग हो, मतलब 16 to 32 टर्न्स पर सेंटीमीटर हो, तो उसका नाम क्या रख देना है? क्रैपे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है, सिर्फ किसका है? टर्न्स का। नेक्स्ट है ट्रैम। ट्रैम में क्या है? ट्विस्टिंग ऑफ 2 और मोर रो सिल्क, वैसे ही यहां पर किया था, इसमें भी एक पहले वाली और दो तीन उसके बाद, तो हमारे पास उसमें भी 3-4 से ट्रैम्स बन गई थी। इसमें भी हमने 2 और मोर रो सिल्क लिए हैं, लेकिन अब किसी को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट नहीं करना, सबको एक डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। और इसमें ट्विस्टिंग कितनी होती है? 8 to 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब इसमें सबसे ज्यादा है ना, 16 to 32। इसमें उससे कम है और इसमें सबसे कम है। और दिमाग में रखने के लिए सारे 4 के टेबल की है ना, तो ये आप माइंड में रख सकते हो। लास्ट है थ्रोन सिंगल्स। इसमें क्या है? इंडिविजुअल रो सिल्क लेंगे, एक ही रो सिल्क लिया, उसी को ही आप 2-3 बार रखकर ट्विस्ट कर दो। इंडिविजुअल रो सिल्क थ्रेड ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन।
सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फोर टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड. ये आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छा है. गिव द फोर टाइप्स ऑफ द सिल्क थ्रेड. नाउ इज द लास्ट टॉपिक कि थ्रेड तो बन गया, सिल्क तो तैयार हो गया, उसके क्लॉथ भी हम यूज कर लेंगे, लेकिन इससे जुड़ी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, दैट इज द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर. तो वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले है उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज. तो क्या होता है बेटा, जब कोकून तैयार किए थे उसको हमने क्या किया था, गर्म पानी में बॉईल किया था ताकि उसके ऊपर जो ग्लू थी, जो कोस फिलामेंट था, वो रिमूव हो जाए. तो बॉइलिंग करते समय वेपर्स रिलीज होंगे और वेपर्स बाय द ब्रीथ ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे. एज ए रिजल्ट हमारी ब्रोंकाइटिस से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम्स हो जाती है. और उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज एस्थमा. एस्थमा की प्रॉब्लम मेनली रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ कोकून्स, एज वेल एज जो वर्किंग एनवायरमेंट है वहां पर वेंटिलेशन की भी कमी होती है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं. सेकेंड वन है स्कैबीज एंड अदर स्किन प्रॉब्लम. अब जो बॉइलिंग कार्य होते हैं तो वर्कर्स हैव टू डिप देयर हैंड्स इन द बॉइलिंग वाटर, ठीक है. रिजल्ट क्या आता है, जो उनकी स्किन है वो रॉ हो जाती है, उसके ऊपर ब्लिस्टर्स अराइज हो जाते हैं, जिसको कहते हैं स्किन जो है फ्लफी हो जाती है, छाले पड़ना. तो ब्लिस्टर्स अराइज हो जाते हैं जिसके कारण स्किन की पीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्कैबीज. तो इस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स भी उन वर्कर्स को आती है. थर्ड है अदर प्रॉब्लम्स. अदर प्रॉब्लम्स हेडेक होना, कोल्ड, फीवर, ये सीजनल नहीं होता, पूरा का पूरा ईयर उन वर्कर्स में ये प्रॉब्लम्स कॉमनली देखी गई है, फीवर होना, कोल्ड होना या फिर हेडेक होना. रीजन क्या है, वहां का जो एनवायरमेंट है, जो सिल्क वॉर्म में ग्लू है, जो सिल्क वॉर्म में फिलामेंट है, उनके कारण ये प्रॉब्लम्स उनको अराइज होती हैं. उनमें नेक पेन होता है, उनकी बैक में पेन होता है. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी वर्कर्स अपना काम करते हैं, वो लोगों के लिए सिल्क बनाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल फाइबर, जिसमें आपने वूल के बारे में पढ़ा, समझा, सिल्क की स्टोरी सुनी. तो इनके साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से करो. जो मेन टर्म्स है, जैसे मैंने थ्रोइंग रेफर किया, जैसे मैंने सिल्क की थ्रेड्स रेफर की, टाइप्स रेफर की, तो इन टर्म्स के ऊपर ज्यादा ध्यान आपने देना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं विद अ न्यू लेसन विद अ न्यू टर्म्स. टिल देन बाय बाय.